गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल जैसा हम लोगों ने एक नई सीरीज की शुरुआत की थी कि प्रदेश का सबसे बड़ा और विश्वसनीय संस्था के तौर पर उभर रही संस्था बुड़ानी आईएएस ने आईएएस और आरएएस के छात्रों के हेतु करंट न्यूज एनालिसिस पर एक सीरीज शुरू की थी, जिसका नाम हम लोगों ने एबी प्लस सीरीज के नाम से शुरू किया था। हम लोग प्रतिदिन एग्जाम ओरिएंटेड कुछ न्यूज पर चर्चाएं करेंगे और कुछ न्यूज की डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसके साथ साथ एक बेहतर समाज बनाने में और लोगों को सही दिशा देने में भी हम लोग अपनी प्राथमिकताओं को दर्ज करेंगे। आज सबसे पहले मैं जिस न्यूज की शुरुआत करने जा रहा हूँ, एक आर्टिकल 370 पे हम लोगों ने कल डिस्कशन शुरू किया था, और आर्टिकल 370 पर डिस्कशन करने के साथ साथ हम लोगों ने एक टॉपिक को छोड़ दिया था इस आधार पर कि हम कुछ अन्य लोगों के साथ उन मुद्दों पर चर्चाएं करेंगे। तो आर्टिकल 370 हटाया जाना चाहिए, लोगों की क्या राय है, क्या नहीं है ना, कि हटाया जाना चाहिए या नहीं चाहिए, इस मुद्दे पर तो हम लोग अभी एक राजनीतिक विश्लेषण रखेंगे, 1 या 2 दिन के अंदर उस समय चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने जम्मू कश्मीर से जुड़ी समस्या पर चर्चा की, आर्टिकल 370 पे चर्चा की। वैसे ही आज की इस न्यूज एनालिसिस में हम लोग 2 न्यूज को प्राथमिकता देंगे। एक जो हमारी बड़ी प्राथमिकता होगी वो ये होगी कि एग्जाम ओरिएंटेड एक न्यूज पर हम लोग चर्चा करेंगे, और दूसरा एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे एक मुद्दे का। तो सबसे पहले न्यूज ऑफ डे की अगर मैं बात करूं तो हाल ही में सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2 दिन की आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा रखी थी। सऊदी अरब एक इस्लाम राष्ट्र है, और वहाँ के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा रखी थी। इस यात्रा के दौरान बहुत से समझौते हुए, उन समीकरणों को हमें समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले अगर हम लोग सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब एक इस्लाम राष्ट्र है, खाड़ी राष्ट्र भी इसे कहा जाता है क्योंकि पर्शियन गल्फ के नज़दीक इनकी सीमाएं लगती हैं। कुल 8 खाड़ी राष्ट्र ऐसे हैं जो पारस की खाड़ी के अपनी सीमा को साझा करते हैं, उनमें सऊदी अरब प्रमुख है। और रिसेंटली एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। 2014 तक के भारत एक क्षेत्रीय शक्ति के तौर पर था, दक्षिण एशिया में हमारा प्रभुत्व था, लेकिन 2014 के बाद भारत ने अपने प्रभुत्व में विस्तार किया है, और इस प्रभुत्व के विस्तार में हम लोग एक वैश्विक शक्ति के तौर पर उभरे हैं। जैसा आज आपने देखा, मैंने कल भी आपसे डिस्कशन किया था कि जेनेवा संधि हमारे पायलट पर इसलिए लागू नहीं होगी क्योंकि हमने किसी तरीके के घोषित युद्ध को अंजाम नहीं दिया है पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि ये कहा गया था कि इंडिया ने अग्रेशन किया है और हम लोग पीस को रिस्टोर करना चाहते हैं, लेकिन भारत ने किसी तरीके की आक्रामक कार्रवाई का आधिकारिक घोषणा नहीं की। भारत ने उस दौरान भी यही कहा था कि हम लोग एक प्रिवेंटिव टेररिज्म स्ट्राइक कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि ना तो हम लोग किसी सिविलियन सेक्टर को टारगेट करेंगे और ना ही हम लोग किसी भी तरीके से किसी मिलिट्री सेक्टर को टारगेट करेंगे। हमारा अंतिम मोटो जो है वो ये है कि पीओके में जो टेररिस्ट कैंप्स संचालित किए जा रहे हैं, उन टेररिस्ट कैंप्स को हम लोग डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो इस पूरे समीकरण में हम लोगों ने एक प्रिवेंटिव स्ट्राइक किया था, तो जिसे पाकिस्तान ने एक अग्रेशन करार दिया था। हालांकि ऑफिशियली अगर मैं आपको कहूँ तो ये किसी तरीके की युद्ध की प्रणाली नहीं थी, पर दोनों ही राष्ट्रों की तरफ से मीडिया और जो सोशल मीडिया पर युवा वर्ग है काफ़ी आक्रामक और आप कह सकते हो हिंसात्मक मोड में नजर आया। दोनों ही सरकार ने अपने संयम का फैसला दिया। कल भी मैंने आपको एक मुद्दे पर चर्चा करते समय बताया था कि जिनेवा संधि तो लागू नहीं होगी, पर पायलट 100% भारत की तरफ भेजा जाएगा। और आज आपने देखा होगा पाकिस्तान की असेंबली में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वो लोग शांति को कायम करने के लिए इस पायलट को भारत कल वापस भेज देंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी हो सकता है। आज ये दबाव बेसिकली किस तरीके का था या किस तरीके से पाकिस्तान इतना मजबूर हुआ, इस मुद्दे पर हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। पर उससे पहले हम एक मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो इस साल के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा और नए समीकरण को समझने के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। मैं इस मुद्दे को किसी भी तरीके से अगर हेडिंग देना चाहूँ तो आप ये भी कह सकते हो कि भारत की वैश्विक शक्ति बड़ी है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूं तो यह भी हो सकता है कि इस्लाम की दुनिया भारत के प्रति नजदीक आती जा रही है। और अगर मैं आपको तीसरे समीकरण में अंतिम जो न्यूज एनालिसिस हम लोग करेंगे, यह कहूं कि पाकिस्तान इन मुद्दों पर घिरता जा चुका है। तो
हम लोग तीनों ही चीजों को एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। 2014 तक परंपरागत तौर पर दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय शक्ति के तौर पर विकसित था भारत नामक देश, और इस्लाम की दुनिया से, या आप कह सकते हो कि ये जो वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया, इससे कोई खासा हम लोग संबंध स्थापित नहीं कर पाए थे, और इसके बहुत से कारण रहे थे, वैश्विक कारण भी हैं। हम एक एक मुद्दे पर चर्चा करते हैं। पूरे दुनिया में डेमोक्रेसी का फेज है, लोकतंत्र का विस्तार हो रहा है। इस डेमोक्रेसी में पूरी दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है सऊदी अरब और इससे जुड़े हुए जो भी इनके सहयोगी राष्ट्र हैं, यूएई, बहरीन, अगर आप लोग जानते हो तो यहाँ आज भी सऊदी परिवार का शासन चलता है, अर्थात मोनार्की है, अभी भी तानाशाही जैसा है। पर इस लोकतांत्रिक युग में या इस उदारवादी युग में ऐसों को स्वीकार करना अपने आप में एक चुनौती थी। दुनिया एक ध्रुवी 2008-09 तक रही है, उस एक ध्रुवी दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व रहा, और इस अमेरिका ने सऊदी अरब को अपना एक जूनियर पार्टनर के तौर पर डेवलप किया। सऊदी अरब की पूरी इकोनॉमी ऑयल बेस्ड थी, यहाँ की एक सरकारी कंपनी है अरामको, और ये लोग ऑयल के सेक्टर में ही अपने आप को डेवलप कर पाए थे, ज़्यादा इकोनॉमी का डाइवर्जिफिकेशन ये लोग नहीं कर पाए थे। और इन लोगों का जो बेसिस पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर था इस्लाम की वजह से, अरब के राष्ट्र संपूर्ण रूप से उनकी तरफ झुके हुए थे, अमेरिका इनका नेतृत्व करता था। इस नए समीकरण में आपने देखा कि सऊदी अरब और अमेरिका में कुछ मुद्दों पर दूरियां बन रही हैं, इन पर हम आगे जब किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, आईएसआईएस जैसे मुद्दे तो हम डिस्कस करेंगे। ऐसे में सऊदी अरब के लिए एक नई चुनौती है कि सऊदी अरब और अमेरिका में कुछ संबंधों में दूरियां बन रही हैं, और उन दूरियों के बनने के बाद सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती जा रही है। इस उदारवादी युग में नया नेतृत्व भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र कर रहे हैं, जो तानाशाह सरकार सऊदी अरब के लिए एक चुनौती बन सकती थी। सऊदी अरब ने अपनी तत्कालीन परिस्थितियों को समझते हुए अपने नए समीकरणों के साथ भारत के साथ कुछ संबंधों को बेहतर करने का प्रयास किया। हालांकि ये शुरुआत 2015 में नरेंद्र मोदी के द्वारा यूएई यात्रा से की गई, 2018 में उन्होंने पुनः यात्रा की, सऊदी अरब का सबसे बड़ा नागरिक क्षेत्र का पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया, और इस समीकरण से सऊदी अरब ने यह साबित कर दिया कि वो भारत के साथ संबंधों को बेहतर करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। हालांकि 2014 में पूरी दुनिया के समक्ष एक प्रमुख चुनौती थी कि भारत का जो नया नेतृत्व है वो हिंदू छवि की तरफ झुकाव रखता है, ऐसे में क्या हम इस्लाम राष्ट्रों में या पश्चिम एशिया के राष्ट्रों में अपना हस्तक्षेप कर पाएंगे या अपनी राष्ट्रीय हितों को सुनिश्चित कर पाएंगे, एक प्रमुख चर्चा का विषय था। और इसी मुद्दे का सबसे अधिक फायदा जिस राष्ट्र ने उठाया था वो पाकिस्तान ने। पाकिस्तान भारत के विरुद्ध इस्लाम विरोध की नीति को बढ़ावा देता है, जिससे अरब राष्ट्र या ये जो खाड़ी राष्ट्र हैं हमसे दूरी बनाते हैं। जब हम इन अरब राष्ट्रों की उपयोगिता की बात भारत के दृष्टिकोण में करें तो जो सबसे बड़ी उपयोगिता है वो ये है कि भारत के लगभग 70 लाख से भी अधिक जो मजदूर वर्ग और युवा वर्ग है वो इन क्षेत्रों में व्यवसाय करता है, नौकरी करता है, रोजगार के क्षेत्र में है। तो हमारे 70 लाख से भी अधिक युवा इन वर्गों की तरफ कार्य कर रहे हैं। इस 70 लाख युवा के साथ साथ हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। हम लोग फार्मा के सेक्टर में देखें, आईटी सूचना प्रौद्योगिकी के सेक्टर में देखें, हार्डवेयर के सेक्टर में देखें, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में देखें, रियल इस्टेट के सेक्टर में देखें, तो हमारी बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है इस अरब राष्ट्रों पर। इसके साथ साथ जब मैं ऑयल रिजर्व्स की बात करूं तो लगभग 46% इंडियन इंपोर्ट्स जो होता है ऑयल का वो इन अरब राष्ट्रों से होता है, जिसमें चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि 20% आयात एकमात्र सऊदी अरब से हम लोग करते हैं, अर्थात सऊदी अरब पर हमारा निर्भरता बहुत बड़ी है। जब भी दुनिया सऊदी अरब की बात करती है तो वो अरब राष्ट्रों के समीकरण को एक साथ मिलाया जाता है, यानी सारे अरब राष्ट्रों को एकजुट कर आप कह सकते हो, क्योंकि उनका नेतृत्व करता है इस्लाम का बहुत बड़ा नेता है सऊदी अरब, इस्लाम के साथ सुन्नी कम्युनिटी का लीडर है, क्योंकि सुन्नी बहुसंख्य हैं पूरी दुनिया में इस्लाम के दृष्टिकोण में। तो सऊदी अरब ने हाल ही के दिनों में एक नया ट्रेंड दिखाया है। नया ट्रेंड यह है कि इन 2 दिनों की यात्राओं के दौरान इसे प्रमाणित भी किया गया है कि वो लोग अपनी इकोनॉमी को ऑयल से हटाकर, यानी ऑयल डिपेंडेंसी, तेल पर निर्भरताएं जो उनकी बढ़ रही थी उसको हटाकर वो उसका विविधीकरण करना चाहते हैं, डाइवर्जिफिकेशन करना चाहते हैं, वो वैश्विक मुद्दों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने भारत के साथ रक्षा के समझौते किए हैं, भारत में निवेश किया है, भारत में निवेश करने के साथ सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिया है, भारत में टूरिज्म के डेवलप करने के चीज़ों को बढ़ावा दिया है, हज के अंदर जो हज यात्री होते हैं उनके लिए विशेष प्रावधान विकसित किए, उनकी ऊपरी सीमा को बढ़ावा दिया है, और इन
सारे परमाणु को अगर मैं एक निष्कर्ष के तौर पर स्पष्ट करूं तो सऊदी अरब काफी हद तक भारत के साथ संबंधों को विस्तृत रूप से विकसित करना चाहता है। उन्होंने महाराष्ट्र में सऊदी अरब की अरामको और यूएई की एक कंपनी मिलकर एक रिफाइनरी लगाएगी, उसमें भारी इन्वेस्टमेंट करने की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर इस पूरे समीकरण में सऊदी अरब हमारे साथ बेहतर संबंधों को डेवलप करना चाहता है। इन बेहतर संबंधों के पीछे दोनों राष्ट्रों के हित हमें समझने पड़ेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड अगर हमें मुद्दे पर चर्चा करनी होगी तो हमने भारत की डिपेंडेंसी को पढ़ा जो सऊदी अरब पर है। जब इंडिया की पॉलिसी की बात करोगे तो पूरे इस्लाम की दुनिया में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा। इजराइल पूरे इस्लाम की दुनिया का दुश्मन माना जाता है ना। फिलिस्तीन एक इस्लाम राष्ट्र था जिसमें जबरन इजराइल स्थापित किया गया, और इजराइल ने अपना अस्तित्व, अपनी सेल्फ रिलायंसी, आप कह सकते हो आत्मनिर्भरता की पॉलिसी के ऊपर रहकर डेवलप किया है। पूरे इस्लाम की दुनिया इजराइल विरोधी है, और पूरे इस्लाम का नेतृत्व सऊदी अरब करता है। सऊदी अरब और अमेरिका में काफी नजदीकियां थी, अमेरिका और इजराइल एक दूसरे के काफी नजदीक दोस्त हैं। परिणाम स्वरूप सऊदी अरब की जो छवि है वो इस्लाम की दुनिया में कुछ हद तक बिगड़ी हुई है, परंतु अपनी आर्थिक शक्ति की वजह से और अपने राजनीतिक नेतृत्व की वजह से उनके सामने आप कह सकते हो किसी राष्ट्र के बढ़ने की हैसियत विकसित नहीं हो पाई। सऊदी अरब भी जानता है कि जब दुनिया एक ध्रुवी थी या अमेरिका के नेतृत्व में थी तो इस तरीके की छवि के साथ जीना संभव था। अब सऊदी अरब नए समीकरणों के साथ आगे बढ़ना चाहता है। सऊदी अरब चाहता है कि इस नए आधुनिक युग में, जो आर्थिक विकास और समावेशी विकास का युग है, इस युग में उदारवादी छवि और विकास प्रगतिशील छवि के साथ ही जिया जा सकता है। भारत जैसा राष्ट्र इस नए आधुनिक विश्व का नेतृत्व करने की अपनी क्षमताओं को बढ़ावा दे रहा है, और कुछ हद तक हम लोग सफल भी हो रहे हैं। ऐसे में सऊदी अरब भारत के साथ जाकर कुछ अहम महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी छवि को सुधारना चाहता है। मेरी राय में जो उनकी तानाशाही की छवि है और जो एक सीमित क्षेत्र के विकास की बात हमेशा अरब राष्ट्रों में की जाती है, उसको सुधारने का प्रयास है। इसके कुछ उदाहरण भी हैं। यहाँ का जो नया सत्ता, आप कह सकते हो जो सऊदी अरब की नई सत्ता है, वो अपनी उदारवादी छवि और प्रगतिशील छवि को बनाने के लिए इन्होंने हाल ही में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सऊदी अरब ने अपनी महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस और बिजनेस के अधिकार दिए हैं। वहीं यूएई ने अपने यहाँ धार्मिक टॉलरेंस को, आप कह सकते हो कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया गया है। इस्लाम के साथ साथ अन्य धर्मों को भी वो लोग सम्मानतापूर्ण तरीके से देख रहे हैं या उसका विकास कर रहे हैं। सांस्कृतिक विकास पर बल दे रहे हैं। महिला सशक्तिकरण और युवा विकास उनकी प्राथमिकता बन चुकी है। इस तरीके के सकारात्मक परिवर्तन ये साबित करते हैं कि वो लोग अपनी छवि को जो बनी हुई है नकारात्मक, उसे उदारवादी छवि और सकारात्मक छवि के तौर पर विकसित करना चाहते हैं। हालांकि 2006 में ही सऊदी अरब के राजा ने जब भारत की यात्रा की थी तो एक दिल्ली समझौता किया था, और उस दिल्ली समझौते के साथ वो भारत के साथ संबंधों को बेहतर करने की शुरुआत तो उसी दिन से कर चुके थे। सऊदी अरब अपनी तेल की निर्भरता के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में विकसित होना चाहता है, इसलिए वो भारत जैसे बड़े बाजार का लाभ उठाना चाहता है और वो इन क्षेत्रों में निवेश कर रहा है। हाल ही में इस 2 दिनों की यात्राओं के दौरान हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण समझौते किए हैं, जो जिन पर हमें आपको एक नज़र के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि हाल ही में राष्ट्रीय निवेश और आधारभूत संरचना का जो भारत का कोष है उसको उन्होंने MOU करके एक इन्वेस्टमेंट मंजूरी दी है। इसके साथ साथ वो इंडिया और सऊदी अरब जनरल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी नामक एक प्रोग्राम को शुरू करने जा रहे हैं। कल मैं आप लोगों को फेसबुक पर इन सारी चीज़ों को अपडेट कर दूंगा, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं एग्जाम ओरिएंटेड। इसके साथ साथ टूरिज्म के सेक्टर में और हाउसिंग के सेक्टर में बहुत बड़ा सहयोग देने का एक MOU दोनों राष्ट्रों के बीच में हुआ है। हम लोग ये जो ऑडियो वीडियो विजुअल ब्रॉडकास्टिंग का सेक्टर है, इसमें एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। इसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री के कहने पर कौशल विकास को लेकर दोनों राष्ट्र अपने दोनों अर्थव्यवस्थाओं में युवा वर्ग को विकसित करने का कार्य करेंगे। हज यात्रियों के लिए एक ऊपरी कोटा 2 लाख तक कर दिया गया है भारत की जनसंख्या को देखते हुए। इसके साथ साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर 850 भारतीय नागरिकों को सऊदी अरब की जेलों से रिहा किया जाएगा। ये एक सकारात्मक पहलू है जो मानवीय आधार पर रखा गया है, जिसका भारत को सम्मान करना चाहिए। इन सभी सेक्टर्स के साथ हम लोग बात करें तो सिक्योरिटी को लेकर हम लोगों ने अहम समझौते किए हैं।
हम लोग डिफेंस के सेक्टर में जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शंस को शुरू करेंगे और कुछ जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे। ट्रेड के सेक्टर में हमारा 2030 तक का एक टारगेट रखा गया है और 13 बिंदुओं पर आधारित एक लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। इसके साथ साथ एनर्जी के सेक्टर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पश्चिमी क्षेत्र में किया जाएगा, विशेष तौर पर महाराष्ट्र के अंदर। इन सभी मुद्दों के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू था वो ये था कि इस्लाम के साथ जुड़े होने के साथ साथ टेररिज्म पॉलिसी और कहीं ना कहीं भारत के संगठित अपराध के लिए हम लोग सऊदी अरब को अपने पक्ष में लेना चाहते थे। काफी हद तक दोनों राष्ट्रों ने इस मुद्दे पर भी एक दूसरे के साथ सहयोग देने का वादा किया है। तो कुल मिलाकर अगर आज की इस न्यूज पर हम एनालिसिस करें तो एक इस्लाम विरोध की जो छवि भारत की थी उसमें एक सकारात्मक परिवर्तन होगा, क्योंकि इस्लाम का सबसे बड़ा नेता भारत के पक्ष में होगा। और एक तरफ आज तक हमारा एक तरफा झुकाव था, आप ये कह सकते हो कि भारत की डिपेंडेंसी सऊदी अरब पर ज्यादा थी, परंतु इस नए सऊदी अरब को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि सऊदी अरब हमारे साथ कहीं ना कहीं संतुलन करने का प्रयास कर रहा है, अर्थात सऊदी अरब भी भारत पर निर्भर है। तो दोनों राष्ट्रों को एक बेहतर संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है। जब यूपीएससी पर्सपेक्टिव हम लोग इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे तो भारत की जहां एक्ट ईस्ट पॉलिसी यानी पूर्वी राष्ट्रों की तरफ जो हमारा झुकाव है वो बढ़ रहा है, ऐसे में हमें इन पश्चिमी राष्ट्रों के साथ अपने संतुलन को कायम करना होगा और विशेष तौर पर पश्चिम एशिया के राष्ट्रों के साथ में, क्योंकि इनकी उपयोगिता बहुत बड़ी है। इस साउथ एशिया के सेक्टर में ही नहीं, संपूर्ण एशिया को अगर हमें संतुलित करना है और विश्व की एक बहुत बड़ी शक्ति बननी है, सुपर पावर बनना है, तो हमें इन इस्लाम के राष्ट्रों को भी अपने पक्ष में लेने की जरूरत है। और भारत की छवि धर्म निरपेक्षता की है, ऐसे में भारत के शासक को भी इस छवि को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। व्यक्तिगत विचार कभी भी राष्ट्रहित में भारी नहीं होने चाहिए। दूसरा मुद्दा जिस मुद्दे पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ जो नई गवर्नमेंट है उसके समक्ष किस तरीके की चुनौतियां हैं और हाल ही में पाकिस्तान को लेकर भारत की पॉलिसी किस तरीके की रही है, इस पूरे मुद्दे पर हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि आज के और 2 दिन के पीछे जो न्यूज का ड्रामा चल रहा है, आपने पूरे न्यूज एनालिसिस में देखा होगा कि हर न्यूज चैनल एक चीज को स्पष्ट कर रहा है, पाकिस्तान आक्रामकता दिखाना नहीं चाहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वजीर आलम ने ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में स्वीकार किया है कि हम लोग शांति समर्थक हैं, हम किसी तरीके के युद्ध को नहीं चाहते हैं। वहीं भारत में दूसरी तरफ राजनीति इन मुद्दों पर शुरू हो चुकी है, विपक्ष के दलों ने भारत की सत्ता दल से राजनीति नहीं करने का अपील किया है। वहीं दक्षिण की राजनीति ने ये घोषणा कर दी है कि भारत के द्वारा या बीजेपी के लिए एक संजीवनी रहेगी, येडियुरप्पा ने हाल ही में आज बयान दिया है। इसका भी कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण होगा जो भारत को समझने की जरूरत है। जब पाकिस्तान की बात करेंगे तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2014 से ही एक स्पेसिफिक पॉलिसी थी जो पाकिस्तान को घेरने के लिए थी। जब मैं पाकिस्तान के मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूं तो हम लोग 2 मुद्दों पर अहम एनालिसिस करेंगे, तभी जाकर हम पूरी पाकिस्तान की पॉलिसी को समझ पाएंगे। एक 2014 से पूर्व का पाकिस्तान हमें समझना होगा और दूसरा हमें 2014 के बाद के पाकिस्तान को समझना होगा। 2014 से पहले पूरी दुनिया में भारत का वर्चस्व नहीं था और आप ये कह सकते हो कि भारत के साथ दुनिया का कोई बड़े राष्ट्र खड़े नहीं थे। हाँ, हम हमारे हितों को संतुलित करने का प्रयास करते थे, पर मेरी राय में हम उस स्तर पर दबाव बनाने में सक्षम नहीं थे जो इस मोदी सरकार के नेतृत्व में हमें इन पिछले 5 वर्षों में मिला है। कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन का भी कारण रहा है, मैं इसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकता हूं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण पहलू है कि भारत की जो भू रणनीतिक महत्व है, जो जियो स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है, वो पिछले 5 वर्षों में बहुत अधिक बड़ी है। बड़ी इसलिए है कि विश्व राजनीति पश्चिम से पूर्व की तरफ शिफ्ट हो रही है और इस पूरे समीकरण के बदलाव में कुछ पूर्वी मुद्दे बढ़ रहे हैं। उन पूर्वी मुद्दों में एक प्रमुख मुद्दा है राइज ऑफ चाइना, चीन का उदय। चीन अपने आप को एक महाशक्ति के तौर पर विकसित कर रहा है, एक आर्थिक शक्ति के तौर पर विकसित कर रहा है और वो धीरे धीरे अपनी नौसेना और सैन्य शक्ति का विस्तार कर सामरिक शक्ति को भी विकसित कर रहे हैं। तो आगामी दिन दुनिया के लिए एक नई चुनौती होगी, क्योंकि चुनौती इसलिए होगी कि वर्तमान दुनिया लोकतांत्रिक है, उदारवादी है, वहीं चीन साम्यवादी है। तो साम्यवादी चीन की आक्रामकता संपूर्ण विश्व के लिए और या विश्व शांति के लिए चुनौती बन सकती है। उत्तरी कोरिया जैसे मुद्दे एक हावी रूप से बढ़ावा मिल सकता है। संपूर्ण दुनिया इस शांति को कायम करने के लिए बढ़ते हुए चीन को सकारात्मक रूप से देखना चाहती है और
अगर हम लोग वैश्विक शक्तियों के तौर पर तुलना करें तो मेरी राय में इस चीन को संतुलित करने की एकमात्र सामरिक क्षमता या भौगोलिक दृष्टिकोण में जिस राष्ट्र के पास ये क्षमता थी वो भारत था। ने भारत ने इस नीति को सफल किया और इस नीति की सफलतागत चीजों को सुनिश्चित करने के लिए हमने हमारे राष्ट्रीय हित को भी प्राथमिकता दी है। 2014 से पहले पाकिस्तान के साथ एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा जुड़ा हुआ था कि पाकिस्तान की हम लोग दो समीकरणों पर चर्चा करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण और पहला समीकरण है, एक पाकिस्तान की घरेलू राजनीति। जब हम लोग पाकिस्तान की सरकार की बात करते हैं तो केवल पाकिस्तान में राजनीतिक दलों का ही हस्तक्षेप नहीं है और एक पाकिस्तान की जो वैश्विक शक्ति है। हम लोग सबसे पहले पाकिस्तान के घरेलू मुद्दों की चर्चा करते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक सत्ता को लेकर बहुत बड़ा संघर्ष है, आप लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि ये इसलिए जरूरी है। आज आपने देखा होगा लगभग 3-4 बजे पाकिस्तान के वजीर आलम ने ये घोषणा कर दी थी कि वो भारत के पायलट को सकुशल लौटाएंगे, और लौटाने के पीछे उन्होंने जो विशेष कारण बताया है कि हम लोग शांति समर्थक हैं, हम शांति को कायम करना चाहते हैं। उधर अमेरिका से उनकी निरंतर वार्ता चल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर पर यह घोषित किया है कि हमारे प्रवक्ताएं और हमारे जो सचिव हैं वो पाकिस्तान और भारत के बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द दोनों राष्ट्रों की तरफ से एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। अर्थात अगर सामान्य शब्दों में कहूँ तो इमरान खान पाकिस्तान की तरफ से एक शांति समर्थक पहल को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसका बहुत बड़ा रीजन है, मैं आपको बताऊं। आपको इन पहलुओं पर हमें बहुत गौर से सोचना होगा, राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं। आपने देखा होगा कि एक तानाशाह शासक, ये एक आक्रामक शासक परवेज मुशर्रफ जैसे व्यक्ति का भी बयान था कि भारत के विरुद्ध आक्रामकता बढ़ाने से पाकिस्तान के लिए चुनौतियां बन सकती हैं। वह परवेज मुशर्रफ जिसने शांत प्रिय वातावरण में बेवजह कारगिल के युद्ध को बढ़ावा दिया, भारत में अग्रेशन को बढ़ावा दिया, इनके पीछे कुछ राजनीतिक समीकरण हैं। उन समीकरणों पर हम चर्चा करते हैं। जैसे ही एक तरफ आपने देखा कि वजीर आलम पायलट को रिहा करने की और शांति की बात कर रहे हैं, तो उसके चंद घंटों बाद पाकिस्तान की सेना ने सीज फायर का उल्लंघन शुरू कर दिया है, उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी है। वर्तमान समय में भी गोलीबारी जारी है, अगर आप न्यूज़ चैनल्स को सुनेंगे तो अभी काफी सीमाओं पर, सीमा के कुछ भागों पर ये गोलीबारी काफी हद तक बढ़ रही है। अर्थात राजनीति शांति समर्थक है और वहां की सेना इस शांति को समर्थन नहीं देना चाहती है। भारत की आवाम भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपना आक्रोश जता रही है, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए नकारात्मक भी साबित हो सकता है मेरे दृष्टिकोण में, क्योंकि उनकी तरफ से एक सकारात्मक पहल की गई है, उस पहल का सम्मान हम लोगों को करना चाहिए। जब हम लोग इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं तो पाकिस्तान में सत्ता का संघर्ष मुख्य रूप से तीन लोगों के बीच में है। पहला वहां की राजनीति, दूसरा राजनीति के साथ सेना, और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो आतंकवाद है। मैं शुरुआत से इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की राजनीति में दो प्रमुख प्रांत हैं, एक पंजाब प्रांत है और दूसरा सिंध प्रांत है। जब पंजाब प्रांत की बात करोगे तो जो भारत का पंजाब है उसी तरीके से समृद्ध इलाका पाकिस्तान का सबसे समृद्ध इलाका पंजाब है, और इस पंजाब का 90% हिस्सा आज पाकिस्तान के अधीन ही है, केवल 10% हिस्सा भारत को मिला है। ऐसे में अगर मैं निष्कर्ष के तौर पर आपको ये बताना चाहूं तो संपूर्ण पाकिस्तान में जो सबसे समृद्ध इलाका है वो पाकिस्तान के अंदर पंजाब का क्षेत्र है। नवाज शरीफ एक प्रमुख राजनेता है, प्रभावशील नेता है, और वो इस पंजाब प्रांत से ही संबंध रखते हैं। इस पंजाब के साथ दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो सिंध का क्षेत्र है। हालांकि वो विकास के क्षेत्र में पिछड़ा है, पर जनसंख्या के तौर पर या मैं आपको कहूं कि राजनीतिक समीकरण में दूसरा अहम योगदान रखता है। बेनजीर भुट्टो की जो पार्टी थी वो इसी क्षेत्र से संबंध रखती है। यहाँ दो प्रमुख पार्टियां हैं, एक नवाज शरीफ के नेतृत्व में जो चल रही थी, दूसरी बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में जो चल रही थी। इमरान खान एक तरीके का यहाँ नया राजनीतिक समीकरण था जो नया रूप से विकसित हुआ है, और इसके पीछे क्या कारण रहा है उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ऐसे में पंजाब प्रांत ने हमेशा एक नरम नीति भारत के विरुद्ध अपनाने का प्रयास किया है। ऐसा मेरे राय में पूरे पाकिस्तान की तरफ से जिसने निरंतर सॉफ्ट पॉलिसी को अडॉप्ट किया है वो नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ दोनों राष्ट्रों में सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं। कारण है कि जिस मुद्दे के दम पर दोनों राष्ट्रों में शुरुआत से विभाजन के साथ से विवाद बना हुआ है, उस विभाजन में भारत विकास की तरफ अग्रसर हो चुका है। हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं और हम इन छोटे मोटे मुद्दों पर विशेष बल नहीं देते। वहीं पाकिस्तान की आवाम के लिए आज भी विकास बहुत बड़ी चुनौती है। लगभग 28 खरब
का कर्ज पाकिस्तान के ऊपर है नए प्रधानमंत्री के अनुसार। ये बहुत बड़ी मात्रा है जिसमें बहुत सी चुनौतियां इनको झेलनी पड़ेंगी, और ये 28 खरब कर्ज चुकाना अपने आप में एक चुनौती होगा। इसके साथ साथ इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय होती जा रही है ना। यहाँ व्यापार चुनौती है, यहाँ ऊर्जा चुनौती है, यहाँ भुखमरी बढ़ रही है, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े व्यवसायी नहीं हैं, रोजगार की संभावनाएं सीमित हैं, और निवेश के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय जगत की तरफ से कोई विशेष निवेश इस क्षेत्र में नहीं किया जा रहा है। कारण है यहाँ की अशांत छवि, और इस अशांत छवि के पीछे कहीं ना कहीं जो प्रमुख कारण है वो इनका घरेलू संघर्ष है राजनीति को लेकर। सर्वप्रथम राजनीतिक दलों का वर्चस्व भी रहा, वो समय के साथ भारत के साथ आगे बढ़ने की उन्होंने भी प्रयास किया। जैसे भारत ने कश्मीर मुद्दे को या धर्म धार्मिक मुद्दों को बहुत दरकिनार करते हुए विकास के मुद्दों पर पहल की, और हम लोग बहुत हद तक आगे बढ़े हैं और आज दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं। पाकिस्तान की राजनीति ने भी शुरुआत में इन्हीं मुद्दों पर शुरुआत की। परंतु जो सबसे बड़ा विवाद का विषय बना वो ये है कि यहाँ की सेना ने अपना राजनीतिक हित साधने के लिए या अपने आप को सत्ता में स्थापित करने के लिए कश्मीर के मुद्दे का प्रयोग किया। कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जो इनकी आवाम को आक्रोशित करता है, और इनकी आवाम जो अनसिविलाइज सोसाइटी का एक बहुत बड़ा भाग थी शुरुआत में, आप कह सकते हो कि अविकास इसका प्रमुख कारण रहा होगा। इस असभ्य समाज ने सदा सदैव सत्ता के पक्ष में कश्मीर के मुद्दे पर समर्थन दिया है। जनरल अयूब खान जैसे लोगों ने सैन्य शासन स्थापित किया, और लोकतांत्रिक दुनिया में भी जहाँ व्यक्ति उदारवादी रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है, उस युग में भी इन लोगों ने उस युग के दौरान भी सैन्य सत्ता को स्वीकार किया। स्वीकार करने के पीछे जो प्रमुख कारण था कि जनरल अयूब खान ने भी इनको कश्मीर प्राप्त करने के सपने दिखाए। एक तरफ राजनीति कश्मीर के मुद्दे पर चलती है, मजबूरन नवाज शरीफ जैसे व्यक्ति को भी कश्मीर के मुद्दे पर चुप्पी साधनी पड़ती है, जिसका प्रमुख कारण है अपने घरेलू राजनीतिक हितों को पूरा करना। वहीं सिंध की राजनीति कश्मीर के मुद्दे को प्रभावी रूप से भारत विरोध की छवि को बढ़ावा देती है, और भारत विरोध की छवि से उनको राजनीतिक लाभ भी मिलता है। सैन्य सत्ता प्राप्त होने के बाद हमारे साथ इन लोगों के आधिकारिक तौर पर हम लोगों ने 4 युद्ध किए। हम लोगों ने 1948 में इनके साथ युद्ध किया, 1965 में युद्ध किया, 1971 में युद्ध किया। हालांकि इन 3 युद्ध के बाद ये स्वीकार कर चुके थे कि सैन्य शक्ति के तौर पर भारत जैसे प्रभावशील राष्ट्र को और भारत जैसे परमाणु संपन्न राष्ट्र को ये लोग किसी भी हद तक नहीं झुका सकते हैं। ऐसे में कश्मीर को हथियाने के लिए इन्होंने हमारे साथ एक प्रोक्सी वॉर, अप्रत्यक्ष युद्ध शुरू किया, जिसमें डायरेक्ट वॉर को इन्होंने स्वीकार कर लिया था कि प्रत्यक्ष युद्ध में भारत जैसे राष्ट्र से जीत पाना संभव नहीं है। अप्रत्यक्ष युद्ध के तौर पर पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म को स्पॉन्सर किया गया। टेररिज्म पहले खालिस्तान जैसे मूवमेंट को भारत में बढ़ावा दिया, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया, और अपने यहाँ आतंकवादियों को बढ़ावा दिया, पनाह दी। आतंकवादी शुरुआत में दोनों ही गुटों के लिए फायदे का सौदा था। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जब आतंकवाद शुरुआत में शुरू किया गया था तो इसे पाकिस्तान की राजनीति ने भी समर्थन दिया, और पाकिस्तान की राजनीति के साथ साथ पाकिस्तान की सैन्य शक्तियों ने भी समर्थन दिया, जिसका मूल कारण था कि अपनी आवाम में शांति स्थापित करने के लिए और अपनी आवाम में राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए इन्हें भारत विरोध की गतिविधियों को बढ़ावा देना होगा। शुरुआत के 20 साल अगर मैं आपको कहूं 1971 तक, तो एक कश्मीर का झंडा पकड़ाकर अपनी आवाम को अपने पक्ष में खींचते रहे, पर 3 युद्ध में करारी हार के बाद इन्हें स्वीकार करना पड़ा कि कश्मीर प्रत्यक्ष तौर पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, और इस कश्मीर के मुद्दे पर ये लोग अब राजनीति लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन्होंने अप्रत्यक्ष शुरुआत की। अप्रत्यक्ष शुरुआत में टेररिज्म स्पॉन्सर किया गया, क्योंकि जब आतंकवाद भारत को किसी भी तरीके का नकारात्मक प्रभाव पहुंचाएगा तो इनकी आवाम ऐसे लोगों को समर्थन देगी, और सेना और राजनीतिक दलों ने भारत विरोध की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए टेररिज्म का प्रोपगेंडा शुरू किया। काफी हद तक सफल भी हुआ, पर देश की सेना ने, संघर्ष लंबा रहा, प्रदेश की सेना ने इस आतंकवाद की नीति को भी सन 1990 के दशक में हमेशा के लिए समाप्त करने में एक बहुत बड़ा अहम योगदान दिया। पहले हमने खालिस्तान के मूवमेंट को खत्म किया, फिर हमने जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी जो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी वो 1990s के डिकेड में अजहर महसूद की गिरफ्तारी के साथ काफी हद तक रुक चुकी थी। जम्मू कश्मीर में गाजी बाबा नामक व्यक्ति को हम लोगों की BSF ने हमेशा के लिए उनका इनकाउंटर कर उस कहानी को खत्म कर दिया, जो भारत के लिए एक सकारात्मक पहलू बना। और वहीं पाकिस्तान की
आवाम के लिए या पाकिस्तान की सत्ता प्रलोभन या सत्ता के संघर्ष करने वाले तत्वों के लिए एक प्रमुख चुनौती बन गई। कश्मीर का मुद्दा एक हावी मुद्दा है जो पिछले 70 साल से इनके बीच में डेवलप हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये लोग इसे प्राप्त नहीं कर पाए। घरेलू स्तर पर राजनीति, सेना और आतंकवाद तीनों के प्रयोग करने के बावजूद ये लोग इस मुद्दे पर एक इंच भी अपनी सफलता को सुनिश्चित नहीं कर पाए। जब टेररिज्म इन दोनों ही पार्टियों ने स्पॉन्सर किया, तो जो टेररिज्म की इंडस्ट्री चलाते हैं, इस उद्योग को चलाने वाले लोगों ने इन दोनों का लाभ उठाना शुरू किया और धीरे धीरे पाकिस्तान की सत्ता में एक बहुत बड़ी चुनौती सामने देखने को मिली कि पहला, राजनीतिक दल सत्ता में अपना अस्तित्व रखते थे, उन राजनीतिक दलों के बराबर अपने आप को संतुलित स्थापित किया वहां की सेना ने, और सेना के संतुलन के बाद तीसरा महत्वपूर्ण सत्ता का तत्व बनकर उभरा आतंकवाद। हाफिज सईद उनमें से प्रमुख व्यक्ति हैं जिनको आप जानते भी होंगे और आपने सुना भी होगा। इनकी राजनीति में बहुत बड़ा अहम योगदान निभाने वाले व्यक्ति बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। पाकिस्तान के आवाम ने हालांकि हाल ही के चुनाव में इन्हें नकार दिया, और नकार जाने के पीछे बहुत से कारण हैं। जब हम लोग मीडिया की बात सुनते हैं या न्यूज एनालिसिस पर देखते हैं, तो कहा जाता है कि पाकिस्तान की आवाम कुछ परिवर्तन के मूड में थी, पर मेरी राय में ये एग्जैक्टली सही नहीं है। इसलिए नहीं है कि अभी कुछ चंद मिनटों बाद हम इस मुद्दे पर जब चर्चा करें तब आप लोगों को समझ में आएगा कि वह इमरान खान जो पिछले चुनाव में 2 से 3 सीटें भी सुरक्षित नहीं कर पाया था, वो अचानक सत्ता में कैसे आ जाता है। जब पूरे निष्कर्ष की बात करेंगे तो पाकिस्तान के विकास नहीं होने के पीछे भी कहीं ना कहीं कश्मीर का मुद्दा है, और कश्मीर का मुद्दा अब जारी रखना पाकिस्तान की राजनीति, वहां की हुकूमत, वहां की सेना और वहां के आतंकवाद के लिए अब इच्छा नहीं है, अब एक मजबूरी बन चुकी है। अगर उस आतंकवाद को वहां अपना सर्वाइवल करना है तो इस कश्मीर के मुद्दे को जारी रखना होगा। उस आतंकवाद के साथ उस सेना को यदि आप प्रभावी रूप से अपना अस्तित्व बनाए रखना है, सत्ता के अंदर अपने संघर्ष को बढ़ाए रखना है, तो उनको भी कैसे भी करकर इस कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रखना होगा। वहीं बात राजनीति की करूं तो पंजाब प्रांत वाले हो सकते हैं विकास के समर्थक हों, परंतु विकास प्राथमिकता नहीं हो सकती, क्योंकि उनको भी सत्ता प्राप्त करने के लिए इस कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रखना होगा। एक लाइन में कहूं तो पाकिस्तान उस मजबूरी के दौर से गुजर रहा है कि उसे इस कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रखना अति आवश्यकता है। और जिंदा रखने के साथ साथ जब एक अहम सवाल बना कि कश्मीर का मुद्दा जब प्रभावी रूप से हावी होता गया, तो इन लोगों ने ना कभी विकास पर बल दिया, ना ही अपनी आवाम को एक सकारात्मक ऊर्जा की तरफ विकसित किया। इस दौरान ये लोग दुनिया के पैसों पर निर्भर होते गए, दुनिया से उधार लिया, दुनिया से पैसा मिलता गया, उस पैसे का प्रयोग कर अपनी इकोनॉमी को ये लोग संचालित करते गए। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि लोग कभी आत्मनिर्भर बनने की तरफ अग्रसर नहीं थे। यही वो आज मुख्य कारण है कि जब दुनिया का पूर्णतः इन्हें अलग थलग कर दिया गया है, तो इस अलग थलग करते ही इनके लिए एक संकट सबसे बड़ा आया है, वो है आर्थिक संकट। जब इस कश्मीर मुद्दे के साथ जब आप एनालिसिस करोगे, तो शायद इतनी चर्चा के बाद आपके दिमाग में एक समीकरण विकसित हुआ होगा कि यहाँ सत्ता का संघर्ष अब मुख्य रूप से 3 लोगों के बीच में है। एक है टेररिज्म, दूसरा है आर्मी और तीसरी है यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज। जब तीनों की बात करोगे तो मैंने कहा तीनों अब इच्छा पर नहीं है, अब तीनों की मजबूरी है। मजबूरी यह है कि तीनों को अगर अपना सत्ता का संघर्ष जारी रखना है या अपने अस्तित्व को बरकरार रखना है, तो कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रखना होगा। तो कुल मिलाकर कश्मीर के मुद्दे को बढ़ाना इनकी मजबूरी है। इस मजबूरी को जारी रखने के लिए इन लोगों को दुनिया का पैसे, दुनिया की वित्तीय सहायता भी चाहिए, दुनिया में नैतिक समर्थन भी चाहिए, और अपनी आवाम को अपने पक्ष में करने का भी प्रयास कर रहे हैं। पर आज ये इस हालात से गुजर रहे हैं कि तीनों के बीच में जो सत्ता का संघर्ष है, कल तक वो आतंकवाद जो दोनों के लिए एक हथियार था, सेना और राजनीतिक दलों के लिए जो एक हथियार था, वो अब अपने आप में एक चुनौती बन चुका है। अब पाकिस्तान में टेररिज्म उनके विरुद्ध भी विकसित हो रहा है। बलूचिस्तान नामक जगह का आपने नाम सुना होगा, वहाँ पाक विरोधी आतंकवाद विकसित होता जा रहा है। वह पाकिस्तान जो कश्मीर लेने का सपना रखता था, उसने पहले आधा पाकिस्तान खोया और एक बांग्लादेश नामक नया राष्ट्र विकसित हुआ। वह पाकिस्तान जो अब बचा खुचा पाकिस्तान जो कश्मीर को पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है आतंकवाद, सेना और राजनीतिक समीकरणों के माध्यम से,
उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आधा पाकिस्तान खोने के बाद बचा हुए पाकिस्तान में से भी बलूचिस्तान के अलग होने की संभावनाएं विकसित हो रही हैं। और भारत में नरेंद्र मोदी की सत्ता स्थापित होने के बाद आपने काफ़ी न्यूज़ चैनल्स और विश्व के स्तर की जो खबरें हैं उनके माध्यम से कुछ चीज़ें सुनी होंगी या जानकारी आप तक पहुंची होगी कि बलूचिस्तान के लोग मोदी समर्थक बनते जा रहे हैं और उनका मानना है कि अगर मोदी नेतृत्व में बरकरार रहता है तो कहीं ना कहीं बलूचिस्तान अपनी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने में सक्षम होगा। वह बलूचिस्तान जो एक प्रमुख चुनौती बन चुका है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान कश्मीर के साथ अब अपने आंतरिक मुद्दों से भी घिर रहा है। 2014 तक ये समीकरण बराबर स्तर पर चलता गया। टेररिज्म अपनी पॉलिसी अपनाता गया, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पॉलिसी अपनाते गए और काफ़ी हद तक आप कह सकते हो आर्मी अपने लेवल पर सस्टेन करती गई। इसका मुख्य कारण था कि जिस राष्ट्र के साथ इनकी चुनौती थी उस राष्ट्र की सत्ता खुद अपने आंतरिक घरेलू मुद्दों में घिरी हुई थी, वो राष्ट्र था भारत। जब भारत की बात करोगे तो भारत के समक्ष कश्मीर का मुद्दा सुलझना बहुत आसान मुद्दा है अगर हम लोग बात करें अपनी, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिसको काफी हद तक बातचीत से सुलझाया जा सकता था। पर जो सबसे बड़ी चुनौती है वो चुनौती इस चीज की है कि हम लोग खुद 2014 तक अपने आंतरिक राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहे थे। ऐसे में एक मजबूत वैश्विक छवि को बनाने में और एक वैश्विक नीति को बनाने में हम लोग सक्षम नहीं थे। 2014 के अंदर एक पूर्ण बहुमत की सरकार स्थापित हुई तो भारत के लिए एक नई उम्मीद हुई और भारत के विशेषज्ञों के अनुसार विदेश नीति में एक नया सकारात्मक परिवर्तन होगा, एक पहलू तो ये था। परंतु भारत का शासक हिंदू छवि का था, ऐसे में पाकिस्तान को ऐसा महसूस हो रहा था कि 2014 के बाद उनकी कश्मीर की नीति अधिक सफल होगी और इसका मुख्य कारण होगा इस्लाम की दुनिया उनका अधिक समर्थन कश्मीर के मुद्दे पर करेगी। हालांकि ये उनका अनुमान पूर्णतः गलत साबित हो गया क्योंकि जो अपने राजनीतिक कारणों से हिंदू कट्टर हिंदू की छवि रखता है वह आदमी यूएई की किसी मस्जिद में जाकर राष्ट्रहित के लिए झुक जाता है और अपनी इस्लाम विरोध की छवि को सकारात्मक रूप से विकसित कर लेता है और आगे चलकर इस्लाम की दुनिया सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार से नवाजती है। अफगानिस्तान की इस्लाम की दुनिया अपने सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार से सम्मानती है। हमें सऊदी अरब से नागरिक पुरस्कार मिला, यूएई की सरकार ने हमें धर्म निरपेक्षता का एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया, एक ऐसा सर्टिफिकेट जो इस राष्ट्र के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन के तौर पर उभरा और पाकिस्तान के सारे राजनीतिक मायने उस दिन नष्ट हो गए जब देश के प्रधानमंत्री ने यूएई की मस्जिद में अपने आप को नतमस्तक किया। इससे हमारा राष्ट्रीय हित सुनिश्चित हुआ जो एक बहुत बड़ी सकारात्मक पहल है। किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय नेता को इस लक्ष्य को रखना चाहिए अपने राजनीतिक समीकरणों से बहुत आगे। इस पूरे समीकरण में 2014 में वैश्विक, ये घरेलू संकट था। अब 2014 तक एक वैश्विक स्थिति पर हम लोग चर्चा करते हैं क्योंकि मुद्दा थोड़ा गंभीर है और मुद्दा थोड़ा जटिल भी है। कोशिश कर रहा हूं कि आपको बड़ी आसान शब्दों में समझा सकूं। 2014 तक जब वैश्विक मुद्दों की बात करोगे तो दुनिया में अफगानिस्तान एक प्रमुख मुद्दा था और अफगानिस्तान का आतंकवाद एक प्रमुख मुद्दा था। जब जियोग्राफिकली लोकेशन के आधार पर आप लोग देखोगे तो अफगानिस्तान के बगल में एक राष्ट्र है रसिया, दूसरी तरफ है पाकिस्तान और तीसरी तरफ जो राष्ट्र है वो ईरान। जब इन तीनों राष्ट्रों की बात करोगे तो रूस अमेरिका विरोधी है, ईरान 2014 तक अमेरिका विरोधी था। ऐसे में 2014 तक अमेरिका की सेना दिसंबर 2014 तक अफगानिस्तान की जमीन पर थी और दिसंबर 2014 तक जब अफगानिस्तान की जमीन पर थी तो उस अफगानिस्तान के जमीन पर अपनी सेना की नाटो की सप्लाई लाइन को सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका की निर्भरता पाकिस्तान जैसे राष्ट्र पर थी। कारण था आस पड़ोस का राष्ट्र, दूसरा विकल्प उनके पास ईरान था, वह ईरान जो नवंबर 2014 तक अमेरिका का दुश्मन था। अमेरिका कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर डिपेंडेंट था, यह भी भारत की अपने आप में एक आप कह सकते हो कमजोरी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि सत्ता परिवर्तन होने से ही भारत वैश्विक शक्ति बना है, एक वातावरण भी ऐसा विकसित हुआ है जिसमें भारत के अंदर वो समताएं आ चुकी हैं और उन समताओं का लाभ उठाने में हमारा वर्तमान राजनीतिक प्रमुख सक्षम रहा, इसलिए एक प्रभावशील नेता के तौर पर उभरा। 2014 तक हमारे लिए घरेलू समस्या थी कि कश्मीर के मुद्दे पर हमें आतंकवाद घेरता था, कश्मीर के मुद्दे पर हमें पाकिस्तान की राजनीति घेरती थी, कश्मीर के मुद्दे पर हमें पाकिस्तान की सेना घेरती थी और वहीं दुनिया में हमें कहीं मदद मिलने की संभावना अगर यदि थी तो उस संभावना में भी ये कहानियां खत्म हो चुकी थी क्योंकि अमेरिका की निर्भरता
पाकिस्तान जैसे राष्ट्र पर थी, और अमेरिका की निर्भरता पाकिस्तान जैसे राष्ट्र पर थी, तो जिन शर्तों पर पाकिस्तान ने समर्थन दिया था वो बेसिकली भारत विरोध की गतिविधियों के समर्थन पर ही दिया गया। यही कारण है कि अमेरिका की छवि भी आतंकवाद की दोगली नीति को लेकर बहुत बार प्रभावित हुई है। यदि बराक ओबामा के कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो बराक ओबामा ने पूरी दुनिया से ग्लोबल टेररिज्म को एंड करने की बात कही थी जब ISIS का मुद्दा बढ़ा था। उस दौरान भारत के राजनीतिक प्रमुख नरेंद्र मोदी ने अपने पक्ष को बड़ी मजबूती से रखा और उन्होंने कहा कि इस दोगले रवैये की आवश्यकता नहीं है, हमें कश्मीर जैसे क्षेत्र से भी टेररिज्म को खत्म करना चाहिए, हमें पूरी दुनिया में आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। ओबामा नरेंद्र मोदी के बयानों के बाद काफी हद तक पीछे हट चुके थे, जिसका मूल कारण था कि अमेरिका की डिपेंडेंसी उस समय पाकिस्तान पर बनी हुई थी। ऐसे में भारत के समर्थक में खड़ा होना उनकी प्रमुख चुनौती बन सकती थी। पर इस पूरे राजनीतिक समीकरण में तब बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया जब ईरान अमेरिका के आगे झुक गया, और उसके पीछे भी बहुत से सामरिक कारण रहे थे, उन पर हम कभी फिर चर्चा करेंगे। नवंबर 2014 में ईरान P5+1 समझौता करता है। ये एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक पहले भी एग्जाम में आ चुका है। P5 का मतलब है 5 वीटो शक्तियां और एक जर्मनी, 6 राष्ट्रों ने मिलकर ईरान का परमाणु निशस्त्रीकरण को सुनिश्चित किया। और जैसे ही ईरान का परमाणु निशस्त्रीकरण हुआ, अमेरिका की जो डिपेंडेंसी पाकिस्तान पर थी वो हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी, और ईरान अमेरिका एक दिखावे के दोस्त बनने में सक्षम रहे। और उधर दूसरी तरफ ओबामा के वादे के अनुसार नवंबर के बाद दिसंबर 2014 में अफगानिस्तान से नाटो को रोल बैक कर लिया गया। ऐसे में आप ये कहें कि निष्कर्ष के तौर पर इस अफगानिस्तान की जमीन पर अपने हित समाप्त कर चुका था अमेरिका, और उसने अपने हितों को दूसरे क्षेत्रों की तरफ बढ़ाने में अहम योगदान दिया। और जब अमेरिका के हित समाप्त हो चुके थे तो पाकिस्तान से अमेरिका की निर्भरता भी समाप्त हो चुकी थी। जैसे ही निर्भरता समाप्त हुई, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको एक सकारात्मक रूप से स्वीकार करने के लिए अमेरिका के साथ संबंधों को बेहतर किया। और आपने, यदि आप करंट अपडेट से रहते हैं, तो ये आपको याद होगा कि अमेरिकी सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री पे जो वीजा की रोक थी उस रोक को भी समाप्त किया, भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका का न्योता दिया। और ओबामा और मोदी एक जैसे दिखते हैं, इस तरीके की एक सकारात्मक टिप्पणी को उन लोगों ने सुनिश्चित किया था। ये एक जैसा दिखना, आप कह सकते हैं कि रंगभेद पर आधारित प्रक्रिया नहीं थी, एक जैसा दिखना एक राष्ट्रहित पर आधारित प्रक्रिया थी। अमेरिका की निर्भरताएं भारत पर बढ़ चुकी थी, चीन जैसे राष्ट्र को रोकने के लिए भारत को फ्रंट फुट पर खेलना चाहता था, और भारत इन सारे परिस्थितियों का लाभ उठाने में सक्षम रहा। हम सारे समीकरणों पर तो नहीं जाएंगे, अब हम जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे वो है पाकिस्तान के मुद्दे पर। तो 2014 तक पाकिस्तान के आतंकवाद, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की राजनीति प्रभावी रूप से कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेरती रही, और दूसरी तरफ वैश्विक स्तर पर उनको समर्थन मिलता गया। एक अमेरिका की तरफ से 2014 तक मिला अफगानिस्तान की मजबूरी की वजह से, दूसरी तरफ मैं यदि मैं आपको बताऊं तो ईरान और पाकिस्तान में कोई विशेष दोस्ती की संभावना नहीं है, क्योंकि धर्म के नाम पर तो एकता है, पर ईरान एक शिया बहुसंख्य राष्ट्र है और पाकिस्तान सुन्नी बहुसंख्य राष्ट्र है। ऐसे में सदैव ईरान और पाकिस्तान में विश्वास की कमी रही है, एक ट्रस्ट डिफिसिट रहा है। एक तरफ ईरान भी आप कह सकते हो कि कुछ हद तक पाकिस्तान से दूरियां बनाना चाहता है और दूरियां बनाकर रखता भी है। तीसरी तरफ हम लोग चर्चा करें तो अफगानिस्तान वो राष्ट्र है जो 1989 से लेकर 2014 तक लगभग 40 सालों तक आतंकवाद, ये राजनीतिक अस्थिरता से पीड़ित राष्ट्र था, और इस अफगानिस्तान की राजनीति में संपूर्ण दुनिया का हस्तक्षेप रहा। इस हस्तक्षेप में पाकिस्तान ने अपने राष्ट्रीय हित से के जो नकारात्मक विदेश नीति का भाग होता है, किसी राष्ट्र की बर्बादी से स्वयं के राष्ट्रहित को सुनिश्चित करना नए उदारवाद नीति के तहत सफल नहीं होती है। यही कारण है कि अफगानिस्तान की नई सत्ता पाकिस्तान को कभी एक बेहतर दोस्त के तौर पर स्वीकार कर नहीं पाई। और अफगानिस्तान भी आप कह सकते हो, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक विश्वास की कमी थी। इसके साथ साथ चीन जैसा राष्ट्र भारत के साथ आर्थिक प्रतिस्पर्धा रखता था, और इस आर्थिक प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करने के लिए भारत में असुरक्षा का वातावरण बढ़ाना चीन की अत्यंत मजबूरी थी। मैं
प्रत्यक्ष तौर पर आरोप नहीं लगा रहा हूं और आपसे भी उम्मीद करता हूं कि कभी आंसर में आप ऐसा नहीं लिखेंगे, पर ये डिप्लोमेटिकली 100% कंफर्म है, जो आप सब भी जानते हैं कि चाइना कभी भी डायरेक्ट वॉर में इंगेज नहीं हो सकता है इंडिया के साथ में, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर है। जब दो राष्ट्र शक्तिशाली होते हैं, समृद्धिपूर्ण होते हैं, तो ऐसे नकारात्मक पहलुओं को एक दूसरे के लिए विकसित नहीं करते हैं। इसका कारण आपने आज ही देखा होगा कि आपने खुलेआम सुना होगा कि चीन पाकिस्तान का समर्थन करता है, लेकिन कल की उनके विदेश मंत्री के बयान के बाद ये स्पष्ट हो गया, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि टेररिज्म के बेसिस पे वो किसी भी दोस्त को स्वीकार नहीं करेंगे। ये भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव भी है, ये चीन के साथ हमारी जो स्वच्छ प्रतिस्पर्धा है इसका भी एक परिणाम है। चाइना जैसे राष्ट्र ने पाकिस्तान को एक तरफा समर्थन दिया 2014 तक, भारत में सुरक्षा के वातावरण के बढ़ने से चीन को भी कहीं ना कहीं निवेश में लाभ हो रहा था, पर चीन खुद अपने एक आंतरिक संकट के दौर से गुजर रहा है। चीन खुद कुछ प्रमुख मुद्दों से गुजर रहा है, कुछ संसाधनों का संकट है, कुछ आर्थिक संकट भी चुनौती बन चुका है उनके लिए, ताइवान मुद्दा बन चुका है, सिंजियांग एक उनका क्षेत्र है जिसमें आप कह सकते हो कि भारत के कश्मीर जैसी स्थिति वहां भी है, और चीन की इन परिस्थितियों को कभी चीन को घेरने की किसी सक्षम राष्ट्र ने कोशिश भी नहीं की। एक मजबूत नीति को अपनाते हुए जब भारत की सत्ता ने यह देखा कि सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि पाकिस्तान की राजनीति चाहकर भी वो भारत से सकारात्मक संबंध नहीं बना सकती है, यदि वो प्रयास करते भी हैं तो भी वो संबंध नहीं बना सकते हैं। इसका मुख्य कारण मैं आपको बताना चाहता हूं या आपको साबित करना चाहता हूं कि नवाज शरीफ ने जब शपथ समारोह में भारत में हिस्सा लिया था तो शपथ समारोह के बाद काफी हद तक दोनों राष्ट्र अध्यक्षों ने शांति को कायम करने के लिए और एक बेहतर भारत पाकिस्तान संबंधों को स्थापित करने के लिए प्रयास किया था। चंद दिनों बाद पाकिस्तान में सत्ता का संघर्ष शुरू हुआ, नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान जैसे लोगों ने एक राजनीतिक धरने जैसी शुरुआत की थी, वहां की सेना ने इनको इमरान खान को समर्थन दिया था और नवाज शरीफ के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आई। बाद में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे निकले, पनामा पेपर्स जैसी घटनाओं के बाद नवाज शरीफ विवाद का विषय बने। ऐसे में नवाज शरीफ के लिए भी अपनी घरेलू राजनीति में कश्मीर के मुद्दे को सुलझाना इतना आसान साबित नहीं हो पा रहा था। भारत ने पूरे समीकरण पर ध्यान दिया। भारत जानता है कि पाकिस्तान चाहकर भी ऐसी परिस्थितियों को विकसित नहीं कर सकता है, और अगर मैं अपने विशेषज्ञ दृष्टिकोण के आधार पर आपको समझाऊं तो जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि पाकिस्तान की राजनीति आतंकवाद से मुक्ति चाहती है काफी हद तक, क्योंकि टेररिज्म जब वहां एंड होगा तो कहीं ना कहीं तीसरा जो राजनीति का सबसे बड़ा खेल चल रहा है या तीसरा सबसे बड़ा तत्व है राजनीति के अंदर वो समाप्त होगा। वो समाप्त होगा तो सेना को अपने अधीन करना उनके लिए आसान होगा, और जब सेना अधीन होगी, क्योंकि सेना कभी भी इस ग्लोबल लेवल पर कभी भी राजनीति से हावी इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि उनके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं। वो क्रॉस बॉर्डर तक चीजों को सुनिश्चित कर वो बॉर्डर तक चीजों को सुनिश्चित कर सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर चीजों को सुनिश्चित नहीं कर सकते। इस डिप्लोमेटिक युग में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के आगे बढ़ने की संभावना ही ज्यादा थी। भारत सरकार ने इनको चौतरफा घेरने के लिए सबसे पहले अमेरिका जैसे राष्ट्रों से इनकी फंडिंग पर रोक लगवाई, इनके आतंकवाद पीड़ित की जो छवि थी, आतंकवाद पीड़ित होने पर दुनिया आपको वित्तीय सहायता देती है, सामरिक सहायता देती है, दुनिया आपको सैन्य सहायता देती है, और इन सब की आड़ में ही पाकिस्तान आज तक अपनी इस रणनीति को अपनाता गया भारत के विरुद्ध। ऐसे में ये जो पाकिस्तान पीड़ित की छवि थी, इस पीड़ित की छवि को आतंकवाद प्रसारक की छवि के तौर पर विकसित करने में भारत ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया। भारत ने एक तरफ पाकिस्तान को आतंकवाद समर्थक राष्ट्र घोषित करवाने में अपने प्रयास शुरू किए, दूसरी तरफ चाइना जैसे राष्ट्र को उसके घरेलू मुद्दों में घेर कर ये मजबूर कर दिया, यदि वो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, यदि वो आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, यदि वो अपने निजी हितों को या निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए भारत के विरोध की गतिविधियों को बढ़ाते हैं, तो भारत ताइवान के मुद्दे को बढ़ावा देगा, भारत सिंजियांग के मुद्दे को बढ़ावा देगा, उइगर नेता को हमने वीजा दिया, जैसे मोहम्मद पर जब चीन ने वीटो लगाया तब भारत ने उइगर नेता को भारत में आने का निमंत्रण दिया। उइगर वो प्रजाति है जो चीन विरोधी है, हान समुदाय विरोधी है और सिंजियांग के क्षेत्र में टेररिज्म को डेवलप कर रही है। ऐसे में चाइना अपने आप को चारों तरफ से घेरा हुआ समझकर पाकिस्तान से उचित दूरी बनाना शुरू कर देता है। अगर मैं आईआर की
पर्सपेक्टिव बताऊं तो फ्रंट डोर पे जो सपोर्ट था उसको हमेशा के लिए समाप्त कर देता है और बैक डोर के सपोर्ट पे शुरू हो सकता है कार्रवाइयां शुरू की। पर आधिकारिक तौर पर चीन ने काफी हद तक दूरियां बनाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ अमेरिका की दूरियां हैं, पूरी दुनिया में आतंकवाद समर्थक की छवि बढ़ रही थी और इस पूरे खेल में पाकिस्तान की तरफ से नवाज शरीफ का काफी हद तक भारत को समर्थन भी रहा। नवाज शरीफ ने पठानकोट हमले के बाद जांच एजेंसियों को भारत की तरफ भेजा, उन आधार पर दुनिया के स्तर पर यह स्वीकार किया। उफा समझौता यदि आपको याद हो तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत पर उन्होंने स्वीकार किया कि कश्मीर के मुद्दे से भी आगे बढ़कर आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा करूंगा, क्योंकि आज तक के इतिहास में 70 साल के इतिहास में जब भी हम आतंकवाद की बात करते हैं वो पहले कश्मीर के मुद्दे की बात करते हैं। पर नवाज शरीफ ने उस पहल को तोड़ा और तोड़कर उफा समझौता में आतंकवाद और सीज फायर दो प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हुआ। नवाज शरीफ की रणनीति वहां की सेना को कमजोर करने की थी, वहां के टेररिज्म को कंट्रोल करने की थी और जो फंडिंग इन सेक्टरों में यूज ली जा रही थी उस फंडिंग को रोकने की थी। भारत सरकार की तरफ से एक राजनीतिक समीकरण चलता गया। यह राजनीतिक समीकरण पूरी दुनिया ने तब स्वीकार कर लिया जब अफगानिस्तान से लौटते वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक पाकिस्तान के नवाज शरीफ के यहाँ निजी यात्रा रख दी। वो कोई औपचारिक यात्रा नहीं थी, वो केवल अपने निजी संबंधों को दर्शाने की यात्राएं थी। उन निजी संबंधों को दर्शाने के बाद वहां की सेना ये सुनिश्चित कर चुकी थी, दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में ये सुनिश्चित हो चुका था कि पाकिस्तान का नवाज शरीफ डिप्लोमेटिक तौर पर भारत के साथ काफी हद तक आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आतंकवाद और सेना के लिए एक चुनौती बनेगा। वहां की सेना ने नए राजनीतिक समीकरण को देखते हुए और वैश्विक दबाव को देखते हुए टेररिज्म की नीति को तो अवॉइड किया और एक चौथा स्तंभ वहां शुरू किया अपनी राजनीतिक सत्ता के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। वो चौथा स्तंभ था एनजीओ का। इमरान खान जैसे व्यक्तियों को आगे बढ़ाया गया, कादिर साहब जैसे व्यक्तियों को आगे बढ़ाया गया और नवाज शरीफ की भ्रष्टाचार की छवि को प्रभावी रूप से विकसित किया गया। जब नवाज शरीफ की भ्रष्टाचार के रूप से प्रभावी छवि को विकसित किया गया, आवाम ने उनका विरोध किया और इस विरोध के बाद नए चुनाव में उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। ये जो इमरान खान सत्ता प्राप्त करते हैं, इस इमरान खान की सत्ता प्राप्ति में इमरान खान से ज़्यादा योगदान वहाँ की सेना का रहा है, क्योंकि वहाँ की सेना ने उनके लिए सत्ता के लिए एक साफ रास्ता तैयार किया था। साफ रास्ता इसलिए भी तैयार किया था क्योंकि इमरान खान एक नौसिखिए व्यक्ति है, राजनीति के दृष्टिकोण में कूटनीतिक स्तर पर या फिर इस स्तर पर हाँ राजनीतिक अनुभव हो सकता है, पर राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता चलाने का अनुभव उनके पास नहीं था। तो सेना को लगता था कि एक पपेट गवर्नमेंट डेवलप करेंगे हम लोग, एक कठपुतली वाली सरकार स्थापित करेंगे, एक ऐसा इमरान खान प्रधानमंत्री के तौर पर विकसित होगा वो जो पाकिस्तान की सेना के इशारों पर काम करेगा। पर हम हमारी नीति में काफ़ी हद तक सफल हो चुके थे। विदेशी फंडिंग पर रोक लगी, चीन से दूरियां बनी, अमेरिका ने दूरियां बनाई, ईरान में हम लोगों ने हमारी नीतियों को विकसित किया, तो ईरान और अफगानिस्तान के सरकारों को पक्ष में लेकर हमने घेराव की नीति पर काम किया। पाकिस्तान दुनिया से अलग थलग होना महसूस करने लगा। इस पूरी महसूस प्रक्रिया के दौरान हम लोगों ने टेररिज्म की पॉलिसी को और स्ट्रोंग किया। दुनिया में हर राष्ट्र आज इस समस्या से पीड़ित था और दुनिया को एकजुट किया, ऐसे क्षेत्रों को एकजुट किया, शांति के साथ समृद्धिपूर्ण विकास की पहल की। सार्क जैसी सैटेलाइट्स का हम लोगों ने विश्लेषण किया जो ये साबित करता है कि हम लोग शांति समर्थक हैं, हम लोग आतंकवाद विरोधी हैं, हम किसी राष्ट्र के विरोधी नहीं हैं। हम लोग कश्मीर का मुद्दा हो या पाकिस्तान के आंतरिक मुद्दे हों उनमें एक सकारात्मक तौर पर परिवर्तन या उनको सकारात्मक रूप से हम लोग बढ़ावा देना चाहते थे। पाकिस्तान की नई सरकार के समक्ष जो प्रमुख चुनौतियां हमने पहले से विकसित कर रखी थी मेरी राय में वो ये थी कि एक तो सत्ता का संघर्ष पहले से चल रहा था, उस सत्ता के संघर्ष के साथ साथ पाकिस्तान की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और चीन से भी उनका प्रभाव अब कम हो रहा है, या आप कह सकते हो चीन से भी दूरियां बन रही, हालांकि उन्होंने संतुलित करने का पूरा प्रयास किया। इसके साथ साथ वह इस्लाम के नाम पर जो भारत की इस्लाम विरोध की छवि को बढ़ाकर दुनिया से पैसा प्राप्त करता था और जिहाद के नाम पर इन आतंकवादी संघर्षों को बढ़ावा देता था, उसमें भी भारत ने काफी हद तक सऊदी अरब और यूएई जैसे राष्ट्रों को पक्ष में लेने के बाद नियंत्रण स्थापित कर दिया। जब से सऊदी अरब
और यूएई जैसे राष्ट्र भारत समर्थक बने या भारत की तरफ इनका झुकाव बढ़ा। हालांकि सऊदी अरब और यूएई के प्रस्पेक्टिव भी हम लोग बात करें तो ये वो लोग नहीं हैं जो केवल भारत के अच्छे इरादों की वजह से ही हमारे समर्थक बने हैं। वर्तमान की इनकी भी कुछ प्रमुख मजबूरियां हैं और जब हम उन मजबूरियों पर चर्चा करेंगे तो उन प्रमुख मजबूरियों में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि वो भी अब तेल आधारित अर्थव्यवस्था का विविधीकरण करना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि जो उदारवादी छवि है, क्योंकि भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का उन्हें समर्थन मिलेगा, सांस्कृतिक विकास होगा। हाल ही में तो सुना होगा कि सऊदी अरब की सरकार ने अपनी न्यायपालिका में हिंदी को एक आधिकारिक तीसरी भाषा के तौर पर विकसित किया है, क्योंकि वहाँ भारतीय लोगों की संख्या बढ़ रही है। लगभग 2.5% कुल आबादी भारतीयों की है। ऐसे में सऊदी अरब एक सकारात्मक परिवर्तन की तरफ विकसित हो रहा था। पाकिस्तान की तरफ चौतरफा दबाव बना है। पाकिस्तान के नए वजीर आलम के समक्ष जो प्रमुख चुनौती थी वो ये थी कि वह कैसे इस सत्ता के संघर्ष के बीच में संतुलन स्थापित करेंगे, वो किस तरीके से अपने सामाजिक आर्थिक संकट से बाहर निकलेंगे। घरेलू राजनीति को संभालना चुनौती था। दूसरी तरफ भारत के द्वारा बनाया गया वैश्विक दबाव इनके लिए प्रमुख चुनौती बना। राजनीति में नया होना इनके लिए चुनौती बना। और सबसे ये राजनीति में नया होना आप इससे भी आंकलन कर सकते हैं कि कोई राष्ट्र खुलेआम ये स्वीकार कर लेता है वजीर आलम किसी राष्ट्र का कि हम लोग इतने कर्ज में हैं कि ब्याज को चुकाने की भी क्षमता हमारी नहीं है। इस तरीके की घोषणाओं के बाद दुनिया के जितने भी यूरोपियन राष्ट्र हैं उन्होंने भी दूरियां बना ली। और वहीं जब पूरी दुनिया की बात करोगे तो भारत एक ऐसा नेतृत्व सुनिश्चित कर रहा है जो केवल समृद्धिपूर्ण विश्व की तरफ बढ़ावा दे रहा है, शांति की तरफ बढ़ावा दे रहा है। हमारी कूटनीतिक विशेषज्ञों की जो नीतियां हैं वो संपूर्ण विकास के समावेशी विकास की हैं। देश के प्रधानमंत्री ने यूएनओ के मंच से इस चीज़ को सुनिश्चित किया है कि हम लोगों का विकास केवल हमारा विकास उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य पूरे दक्षिण एशिया के क्षेत्र में शांति कायम करना, संपूर्ण विश्व में समावेशी विकास करना। और हम लोगों ने सबका विकास का नारा जो है वो संपूर्ण विश्व के स्तर पर दिया है। जब पाकिस्तान के प्रस्पेक्टिव हम लोग सबसे बड़ी बात करें तो जब फंडिंग रुकी है तो कहीं ना कहीं फंडिंग रुकने से टेररिज्म पॉलिटिक्स और आर्मी के बीच में पावर स्ट्रगल फिर से बढ़ेगा। इसलिए बढ़ेगा क्योंकि उनके यहाँ इकोनॉमिक कोलेप्स होगा। इस इकोनॉमिक कोलेप्स के दौरान उन लोगों के पास पैसे की जब कमी रहेगी तो उस पैसे की वजह से इनके बीच में संघर्ष बढ़ेगा। इसका उदाहरण आप देख भी सकते हैं कि कहीं ना कहीं वहां का टेररिज्म जो है वो अभी उनकी सरकार के बाहर काम कर रहा है या उनकी नीतियों के बाहर काम कर रहा है। वहां की सेना जो 60% उनकी इकोनॉमी पर ट्रेड, जो इकोनॉमिकल ट्रेड था उस ट्रेड पर अपना नियंत्रण रखती थी, वो भी अब अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है। और मेरी राय में पाकिस्तान की घरेलू इकोनॉमी सर्वाइव करने की संभावनाएं भी नहीं, उसके पीछे कुछ तर्क हैं। एक तो पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स पेयर जितने भी हैं करदाता उनकी संख्या बहुत कम है, उसके साथ साथ औद्योगिक विकास बहुत कम है। अगर हम लोग उनके एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 60% एक्सपोर्ट केवल कॉटन पर डिपेंड है, यानी डाइवर्जिफिकेशन नहीं है। दुनिया में वो अधिक वस्तुओं को बेचने में सक्षम भी नहीं है। ऐसे में एक बेहतर संस्थागत परिवर्तन की आवश्यकता है जो उन लोगों के यहाँ कर पाना संभव नहीं है। करप्शन वो प्रमुख मुद्दा था जिस मुद्दे के दम पर इमरान खान ने सत्ता स्थापित की थी, पर करप्शन जैसे मुद्दे को समाप्त कर पाना पाकिस्तान में वर्तमान परिस्थितियों में संभव नहीं है। क्योंकि जिस राष्ट्र में संसाधनों का अभाव होता है और संसाधनों को लेकर संघर्ष होता है वहां करप्शन हावी रूप से विकसित रहता है। तो भारत की नीति है कि पाकिस्तान को अब घेरा जाए, और हमने पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने के बाद उस स्तर पर मजबूर कर दिया है कि अभी उनके यहाँ घरेलू संकट शुरू होगा। पिछले 2 दिन से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि मेरी राय में विश्व का पहला राष्ट्र होगा, आप बेहतर तरीके से गूगल सर्च कर कर इन चीज़ों को देख सकते हैं कि भारत विश्व का पहला राष्ट्र है जिसने खुलेआम सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद स्वीकार किया कि हमने टेररिस्ट कैंप्स को उड़ाया। हालांकि हमने पूरी अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को, हमारी आज तक की छवि जो है वो ऑफेंसिव नहीं है, हमारी डिफेंसिव छवि है। हम अपने आप को दुनिया में शांति का दूत मानते हैं, और दुनिया यही कारण है कि कभी कोई सियोल शांति पुरस्कार देती है तो कोई दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति समावेशी विकास के दृष्टिकोण में घोषित करती है। सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार हमें दिन प्रतिदिन मिल रहे हैं और हमारी छवि में एक सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। हमने इस छवि को बरकरार रखने के लिए, या जो हमारी उदारवादी और शांति प्रिय नीति थी इसको बरकरार रखने के लिए, हमने हर उस कार्रवाई के पीछे उचित तर्क दिया है। और हमारा तर्क यह है कि हम लोग कभी भी
हम वहाँ की आवाम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, किसी सैन्य संघर्ष में नहीं फंसना चाहते। हम लोगों का अंतिम उद्देश्य है कि टेररिज्म को खत्म करना, और हम लोग एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस या प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स कर रहे हैं। तो ये जो सर्जिकल स्ट्राइक वन था, ये भी हमने प्रिवेंटिव स्ट्राइक किया था। हमने एयर स्ट्राइक किया, ये भी हमारा प्रिवेंटिव स्ट्राइक था। हालांकि पूरी दुनिया में एक समीकरण है मेरी राय में, विशेष तौर पर पाकिस्तान के नेतृत्व में, या वो राष्ट्र जो भारत विरोधी हैं, वो भारत में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। भारत में सत्ता परिवर्तन होने से काफ़ी हद तक इन राष्ट्रों को लाभ मिलेगा, क्योंकि कुछ नीतिगत अस्थिरताएँ होंगी, और उन नीतियों की अस्थिरता की वजह से जो हमारी वर्तमान में 14 से लेकर 19 तक की प्रगति है, उस प्रगति को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार ने अपनी शांतिप्रिय छवि को बरकरार रखने के लिए एयर स्ट्राइक करने के बाद भी हमने यही दुनिया में घोषित किया कि हमारा प्रिवेंटिव स्ट्राइक था, और दुनिया को अपने विश्वास में लेने के लिए 25-30 राष्ट्रों के साथ हमने वार्ताएं की। उन राष्ट्रों ने हमारा नैतिक स्तर पर समर्थन दिया। वो समर्थन प्राप्त होने के बाद पाकिस्तान ये स्वीकार कर चुका है कि आक्रामकता दिखाने से भारत कोई स्ट्रोंग कदम उठा सकता है, क्योंकि आपने दुनिया की महाशक्ति रह चुकी अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान सुना। उन्होंने कहा कि भारत कुछ बड़ा करने के मूड में है। बड़ा करने के मूड में इसलिए है क्योंकि ये राष्ट्र की सुरक्षा के साथ, हम दुनिया के विकास की बात कर रहे हैं, हम दुनिया को साथ लेने की बात कर रहे हैं, और वहीं हमें हमारे ही मुद्दों में घेरने की कोशिश की जा रही है। हमारे यहाँ आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, दुनिया हमारे सिक्योरिटी के इश्यूज को क्रिएट करना चाह रही है। ऐसे में हमने इस चीज़ का प्रतिशोधक जवाब देने के लिए इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। एयर स्ट्राइक को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान चाहकर भी कार्रवाई नहीं कर पाया, और कार्रवाई नहीं करने के पीछे कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। भारत की ये जो सफल नीति थी 2014 से लेकर 19 तक चल रही थी, जो घेराव की नीति आप कह सकते हो, और इस घेराव की नीति के साथ अब जो आने वाले दिनों में, आगामी दिनों में पाकिस्तान के इमरान खान के समक्ष जो प्रमुख चुनौती होगी, वो ये होगी कि एक तो उनको नरम रवैया अपनाना पड़ रहा है। हालांकि मैं उनकी सत्ता को, या कह सकता हूँ कि उनकी हुकूमत को, इस बात को एक सकारात्मक रूप से मानता हूँ और प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने आज जो पहल की है, इमरान खान के इस बयान के बाद कि वह हमारे पायलट को रिहा करेंगे, वहाँ की जितने भी राजनीतिक लोग थे उन्होंने एक तरफा समर्थन किया है। ये एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन है पाकिस्तान के दृष्टिकोण में। पर कहीं ना कहीं जो आगामी दिनों में एक चुनौती बनेगा, टेररिज्म कभी भी इस पॉलिसी को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी है टेररिज्म को खत्म करना। हम पाकिस्तान से आतंकवाद को कमजोर कर रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत उस आतंकवाद को बचाने में अब सक्षम नहीं है, ना आर्थिक तौर पर ना सामरिक तौर पर। वहाँ की सेना चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि हुकूमत का समर्थन अधिक नहीं मिलेगा, और यही कारण है कि वो एक दिखाना चाहते हैं कि जो आज सीज फायर चल रहा है उसके साथ वो दिखाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं भारत इस नीति का भी लाभ उठाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस पायलट को कल रिहा करेंगे उसके साथ ये जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, भारत इसका भी प्रयोग कर कर ये साबित करेगा कि ये जो शांति की बात करते हैं ये दोगली नीति है, और दोगली नीति नहीं है तो आप खुद देखो, आपके सामने है कि उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया। पर वास्तविकता आप जानते हैं कि वहां की पॉलिटिक्स चाहती है कि किसी भी तरीके से हम वॉर में इंगेज नहीं हो, क्योंकि इस समय युद्ध में अगर वो हमारे साथ आते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान की हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव बताऊं, या आप ये कह सकते हो सामान्य शब्दों में कि पाकिस्तान के लिए किसी भी रूप से वो एक सकारात्मक कदम नहीं होगा। और वहीं रही बात भारत की, तो भारत उस अस्तित्व पर है कि भारत इस शक्ति का प्रयोग सदैव अपने हित में करेगा, और भारत का वर्तमान अस्तित्व इस प्रकार है कि भारत संपूर्ण दुनिया को अपने पक्ष में कर चुका है, जो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि हम लोग नैतिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी, सामरिक तौर पर भी इस युद्ध को जीतेंगे, और पाकिस्तान की कहानी कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण बन सकती है। पाकिस्तान के राजनीतिक कूटनीतिक विशेषज्ञ इस बात से वाकिफ हैं, इसीलिए वो एक शांत प्रिय छवि को अपना रहे हैं। इस तनावपूर्ण माहौल में भी उन्होंने भारतीय पायलट के साथ जो मानवीय व्यवहार सकारात्मक रूप से किया है, वो ये दर्शाता है कि उनके अंदर का डर है, और इस डर को वो लोग कायम भी रखना चाहते हैं। ये हमारे लिए फायदे का सौदा भी होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत सरकार को अपनी आगामी नीति को किस प्रकार रखना चाहिए। मैं किसी सत्ता समर्थक नहीं हूँ,
पर सबसे बड़ी चुनौती है कि जो नीतिगत स्थिरता हमने 14 से लेकर 19 तक अपनाई है, उस नीतिगत स्थिरता को बनाए रखना होगा। यदि भारत में सत्ता परिवर्तित भी होती है, हम नए प्रधान सेवक को भी चुनते हैं, वो हमारा निर्णय है। लोकतंत्र में ऐसे निर्णयों को जनता को चुनने का अधिकार भी है। परंतु जो आगामी सरकार होगी या ये वर्तमान सरकार ही यदि बनी रहती है, तो इस नीति का बने रहना बहुत जरूरी है। यदि ये नीति 3 से 4 वर्ष और सफल होती है, तो पाकिस्तान के साथ जितने भी मुद्दे हैं वो मुद्दे समाप्त होंगे। भारत दुनिया में महाशक्ति के तौर पर उभरेगा। भारत अपने आप को एक आर्थिक क्षेत्र में मजबूत वर्चस्वशील व्यक्ति के या राष्ट्र के तौर पर विकसित करेगा। भारत अपने घरेलू मुद्दों से शांत होगा। ऐसे में यह हमारे लिए एक सकारात्मक चिन्ह होगा। तो भारत सरकार को भी जरूरत है कि अपनी नीतिगत स्थिरता को बरकरार रखे। अत्यधिक आक्रामकता हमें इस क्षेत्र में नहीं बनानी है। अत्यधिक आक्रामकता यदि भारत बनाता है, जैसा हम लोग सोशल मीडिया पर 2 दिन से इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया एक आवाम को जुड़ने का एक बहुत बड़ा पहलू है। और जब आवाम आपस में जुड़ती है, तो कहीं ना कहीं इमरान खान जैसे व्यक्ति के लिए भी ये रिस्पोंड करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि आपने देखा कि 12 मिराज उनके अंदर जाते हैं, आक्रमण करते हैं, उस आक्रमण के बाद भी वो कहते हैं कि ये एक अग्रेशन है, एक आक्रामकता है जो भारत ने अपनाई है पाकिस्तान के विरुद्ध। 70 साल के इतिहास में आपने यही सुना होगा कि भारत आक्रामकता कभी नहीं अपनाता, पाकिस्तान भारत के प्रति अपनाता है। पाकिस्तान ने पहली बार खुले मंच पर स्वीकार किया कि भारत की तरफ से आक्रामकताएं बढ़ाई गई हैं। लेकिन वहां के आवाम ने, वहां की विदेश मंत्रालयों ने, वहां के रक्षा मंत्रालयों ने, वहां की हुकूमत ने ये साबित किया कि हम लोग इस आक्रामकता का शांतिपूर्ण तरीके से जवाब देने को तैयार हैं। यदि यहाँ का प्रधानमंत्री हमसे बात कर किसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है, तो हम उस मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं। आपने देखा होगा कि जिस दिन हमने आक्रमण किया, उस आक्रमण से 1 दिन पूर्व UNO अंतर्राष्ट्रीय जगत पर उन्होंने एक मौका और भारत से मांगा कि हम हमारी स्थिति को स्पष्ट करने को तैयार हैं, वार्ता करने को तैयार हैं। हमारी आक्रामकता के विरुद्ध उन्हें इसलिए जवाब देना पड़ा क्योंकि वहां की आवाम में एक आक्रोश उत्पन्न हुआ। उस आक्रोश को अपने पक्ष में खींचना इनकी मजबूरी है, क्योंकि दुनिया में सभ्य समाज वाली लोकतांत्रिक राष्ट्रों में विकास अंतिम मुद्दा होता है, राष्ट्रहित प्राथमिकता होती है। पर भारत जैसे, पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों में, प्रगतिशील राष्ट्रों में, कि राष्ट्रीय हित से भी महत्वपूर्ण होता है राजनीतिक हित। और इसका, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आप ये भी जानते होंगे कि पिछले 2 दिन से जो वातावरण भारत सरकार के पक्ष में उत्पन्न हुआ है, कहीं ना कहीं वो राजनीतिक सकारात्मक तौर पर विकसित हुआ है। तो ये समीकरण बिल्कुल जायज है कि प्रगतिशील राष्ट्रों में हमेशा राष्ट्रहित से ज्यादा प्राथमिकता राजनीतिक हित को मिलती है। यदि हम इमरान खान पर उनकी घरेलू राजनीति में चुनौती उत्पन्न करते हैं और उन पर अधिक अत्याधिक दबाव बनाते हैं, तो मजबूरन वो ना चाहते हुए भी भारत विरोध की गतिविधि को बढ़ावा देना उनकी मजबूरी है। हालांकि हमें बड़े संतुलन से, बड़े संयम से कार्य करने की आवश्यकता है। और जो वहां की हुकूमत चाहती है कि शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता की जाए, उसको हमें स्वागत करना होगा, हमें उसका सम्मान करना होगा, हमें उस आर्मी को नजरअंदाज करना होगा जो आक्रामकताओं को फिर से बढ़ाना चाहती है, हमें उस आतंकवाद को नजरअंदाज करना होगा जो भारत विरोध की गतिविधियां बढ़ाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत की पहल से ही हम लोग वहां आतंकवाद और सैन्य नियंत्रण या हस्तक्षेप की समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।